हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, गेम दीप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और माइनक्राफ्ट के दूसरे वीडियो में दोस्तों, मैं अपना जो हमने एक सर्वाइवल रूम बनाया था वो हम भूल चुके हैं और दोबारा से हमने शुरू किया है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा कैरेक्टर स्टीव, और जहाँ पे हम स्पॉन हुए वो आप देख सकते हैं, पीछे हमारी स्नो है। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। सो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले चाहिए होगा वुड। तो वुड के लिए हम चलिए चलते हैं हम पेड़ के पास, काटते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने सारे रैबिट्स हैं जिनको हम कैरेट के खिला करके टेम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें वुड काटनी है और हम बाद में देखेंगे कि हमको किस तरह से कैरेट मिलेगी। तो अभी इससे तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी वुड आ चुकी है। अब चलिए यहाँ पे हम अपने सबसे पहले प्लैंक्स बनाते हैं। सो काफ़ी सारे प्लैंक्स हो गए। अब इन प्लैंक्स से हमें बनानी होगी क्राफ्टिंग टेबल। सो हम अपनी क्राफ्टिंग टेबल को रखने वाले हैं यहाँ पर, और इसके अंदर हम बनाएंगे स्टिक्स, क्योंकि हम स्टिक्स से ही सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो हमें चाहिए होगी एक्स, एक पिक एक्स, एक शॉवल और एक सॉर्ड भी। सो अभी के लिए इतनी सारी चीज़ें ठीक है। और यहाँ पे हम अपना हाउस भी बिल्ड करेंगे, तो उसके लिए हमें लानी होगी डर्ट। सो डर्ट हम कट करेंगे यहाँ से। तो अभी के लिए इतने ब्लॉक्स हैं जिनसे कि हम अपना घर बना सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपना अपना सिंपल हाउस बिल्ड स्टार्ट करते हैं। ये हमको तो शट यार खत्म हो चुके हैं। हमें और लाने पड़ेंगे डर्ट, और डर्ट हमें मिलेगी यहाँ से। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सो इतनी डर्ट काफ़ी है, तो हमारा घर कंप्लीट हो चुका है।
अभी ये हमारा टेम्परेरी घर है, बाद में इसको और अच्छा और बड़ा बनाएंगे, फिर स्टैंड का भी बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये बनकर रेडी है। लेकिन अब इसकी छत के लिए हमें लगाने होंगे टर्ट ब्लॉक्स। फिर से डर्ट खत्म हो गई। और अब हमें बेड बनाने के लिए चाहिए होगी वूल। सो अभी हमारा घर तो रेडी हो चुका है, अब इसमें चाहिए होंगे डोर, तो हम यहाँ से बना लेंगे डोर। सो डोर बनाने के लिए कि हमको तीन डोर सेट, यार मुझे दो डोर की ज़रूरत थी, तीन बन गए, चलो कोई नहीं। और ये हमारे डोर भी कंप्लीट हो गया। सो मैं चाहिए होंगी सीप्स, चलो हम ढूंढते हैं बाहर सीप्स। सो एक सीप मिल चुकी है, तो लेकिन हमें और सीप चाहिए। ज़ॉम्बी आने लगे हैं, ओह शिट यार। सो यार अभी आज की रात हमें ऐसे ही अपने घर में गुजारनी होगी। सो फ्रेंड्स यार एक बार फिर से वेट करना पड़ा मुझे पूरी रात, और रात को वेट करने के बाद फिर से सुबह हो चुकी, लेकिन अब मुझे सबसे पहले सीप सी ढूंढनी होगी। देखिए अभी भी बिल्कुल सुबह हुई है और ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर घूम रहे हैं। सो यार स्केलेटन भी आ चुका है यहाँ पर, और मुझे शायद से ये क्या सिंबल आ रहा है, तो ओके दोस्तों मुझे खुद देखना पड़ेगा। सो यार स्लोनेस का मुझे पोषण लग गया उस ज़ॉम्बी की वजह से, सो इसी वजह से मैं स्लो चलूँगा। वो देखिए वो वहाँ पर स्केलेटन है जिसके पास चेन आर्मर है, मुझे उसको यहाँ पर ले कर के आना होगा ताकि मैं उसको मार सकूँ। सो अभी वो उस पीछे है, मेरा पोषण भी खत्म। उसके पास इंचेंटेड है, शिट यार इसने फिर से मुझे सुनने सब, शिट शिट शिट। फ्रेंड उससे लड़ने के लिए मुझे अभी नहीं जाना होगा, क्योंकि अभी मुझे चाहिए सीप्स और जिससे मैं बनाऊंगा बेड। तो 10 सेकंड के बाद पोषण का असर ख़त्म होगा, तो इसके लिए मुझे चाहिए सीप। तो चलिए अब सीप ढूंढते हैं। अब इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला, सो फ्रेंड्स मार दिया इसको। चलिए अब सीप सभी हम अपनी ढूंढते हैं सीप सीप। सीप नहीं है यहाँ कहीं पर भी, फ्रेंड्स यार अभी सिर्फ सीप चाहिए मुझे। मुझे कुछ तो है ये क्या, और दोस्तों यार यहाँ पे काऊ है,
जिससे मुझे लेदर मिल चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ सीप नहीं है। ओ फ्रेंड्स, यहाँ पे माइन है, तो यहाँ पर मैं आऊँगा कि मुझे सीप चाहिए। और मुझे लग रहा है कि मुझे सीप नहीं मिलने वाली दोस्तों। अभी मुझे अपने घर पे तो फ्रेंड्स यार मुझे सीप तो नहीं मिली, लेकिन काऊ जरूर मिली। सो फ्रेंड्स यार यहाँ पर भी इधर भी स्नो की वजह से फिर सीप नहीं है। चलिए दोस्तों हम उस माइन में जाकर के देखते हैं कि उस माइन में क्या है। शायद से उस माइन में हमें कोई काम की चीज मिल जाए। सो उधर क्या था? तो पहाड़ है। अभी हमें चाहिए शीप, और जिसको मार करके हमें मिलेगा वूल, और उस वूल से हम बनाएंगे बेड ताकि हम रात को सो सकें और ज़ॉम्बी से बच सकें। इधर से भी कोई भी शीप नहीं दिख रही है हमें, और हम इतने ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे भी कोई शीप नहीं है, सिर्फ चिकन है यहाँ पर। और ये गाय बार बार दिख रही है मुझे। ओ नीचे नहीं दोस्तों, वहां पे कोल है दोस्तों, कोल हमें चाहिए होगा, लेकिन दोस्तों कोल को हम सिर्फ स्टोन की पिकैक्स से ही माइन कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे स्टोन की पिकैक्स बनानी होगी। सो अभी दोस्तों मैं एक और क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे वापस जाना पड़ेगा अपने घर, और वहाँ से क्राफ्टिंग टेबल लाने के बाद में पिकैक्स बना करके आना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा मैं नहीं करना चाहता, और मैं ये क्राफ्टिंग टेबल यहीं पर ही क्राफ्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, और ये, और दोस्तों यहाँ से हमें अपनी पिकैक्स के लिए और स्टिक्स बनानी पड़ेंगी, तो अभी हम स्टिक्स बना लेते हैं, और अब हम बना पाएंगे अपनी पिकैक्स। सो ये पिकैक्स बन चुकी है, और इससे हम ये कोल सारा माइन कर लेंगे। सो यहाँ पर बहुत सारा कोल है दोस्तों। इसके सेकंड पार्ट में हम आयरन और डायमंड्स को ज़रूर ढूंढेंगे। इस वाले पार्ट में मैंने यहाँ पे घर बनाया, और दोस्तों ये मुझे कोल मिला। दोस्तों अभी हम बेड नहीं बना पाए क्योंकि हमें सीप नहीं मिली। सो अभी बहुत सारा कोल हमें मिलने वाला है, अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे अभी भी कोल है। सो दोस्तों अब यहाँ का कोल खत्म हो चुका है। तो दोस्तों हमें मिले हैं टोटल 22 कोल्स दोस्तों, 22 कोल्स। अब चलो हम इस अपने क्राफ्टिंग टेबल को भी यहाँ से ले लेते हैं, और वापस से अपने घर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा घर किधर था? सो दोस्तों ये सीप दिख चुकी है हमें एक, और बहुत देर के बाद हमें एक सीप मिली, और इससे मिल गया हमें अपना वूल।
अच्छों से यहाँ और कूल है, लेकिन उससे पहले मुझे घर जाना होगा क्योंकि रात होने वाली है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम अपने घर पे आ चुके हैं और बाहर अंधेरा हो चुका है, लेकिन दोस्तों हमें बनानी होगी कुछ टॉर्चेस। तो चलिए हम दोस्तों टॉर्च बना लेते हैं ताकि अपने घर में भी उजाला हो सके। तो इतनी टॉर्चेस काफ़ी हैं, सो वन टॉर्च हेयर, वन हेयर, वन हेयर। दोस्तों एक हम यहाँ बाहर भी लगा लेते हैं। और दोस्तों अब हम अपने कोऑर्डिनेट्स को हमेशा याद रखेंगे ताकि अपने घर को ना भूलें। और दोस्तों अभी लग रही भूख, तो उसके लिए हमें बनानी होगी फर्नेस, और हम एक बनाएंगे फर्नेस। फर्नेस को दोस्तों मैं रखने वाला हूँ, फर्नेस हमारी यहाँ पे आएंगे, फर्नेस को मैं रखूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा बेड आएगा, यहाँ पे हमारी फर्नेस है, फर्नेस पे हम रखेंगे कोल और अपना ये पीफ सूर्य पकड़ेगा, और फिर हम इसको हीट करेंगे। दोस्तों बेड मैं आज भी नहीं बना पाया क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक ही वूल है, और बेड बनाने के लिए हमें 3 वूल्स का यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों हमें लेदर मिला है और ये चिकन भी हमारे पास है। तो अभी हमारा बीफ कुक्ड हो चुका है 2, सो अभी इसको हीट करते हैं। सो दोस्तों अगले वीडियो में हम कोल को माइन करने वाले हैं और कोल को माइन करेंगे। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, और ये हमारा सिर्फ टेम्परेरी हाउस है, इसके बाद हम अपना बड़ा हाउस भी बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपको इसी नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।